पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ मुन्नी के समीप आ गया और बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? हाँ, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दे, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? हैं? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूछ की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ ली आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटेंगे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, वो झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया पर वो उसके पास न आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक घंटा और गुजर गया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को इसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई, ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है, सप्तऋषि अब भी आकाश में आधे पे नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था।
एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दी, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उसके दिल ने कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोची डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूज जान पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा। वो उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मढ़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की ढाड़ पर गए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मढ़िया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी बजाना ना भूलना। धन्यवाद।